आपको इमेज का जो एरिया सेलेक्ट करना होता है उसमें कलर लगभग समान ही होता है, और जो अपने को सिलेक्शन चाहिए या तो वो उस कलर के अपोजिट होता है या लगभग उसी कलर का होता है। तो इस प्रकार की इमेज में आपके लिए कलर रेंज कमांड बहुत उपयोगी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलर रेंज कमांड का उपयोग करके किस प्रकार से हम इमेज के किसी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो इमेज है ओपन कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड सिलेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे एक्स बटन प्रेस करके आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके भी इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम सेलेक्ट मेन्यू में जाके कलर रेंज कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कलर रेंज डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस कलर रेंज डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे ये जो सेलेक्ट है यहाँ पे सैंपल कलर सेलेक्ट रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे आई ड्रॉपर जो टूल है इसकी सहायता से हम एक कलर सेलेक्ट करेंगे और अपने सेलेक्टेड कलर को ही सेलेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे सैंपल कलर ऑन होना चाहिए। यहाँ पे ये जो आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ये आपकी इमेज का प्रीव्यू है। डायलॉग बॉक्स को हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि हमें अपनी इमेज का प्रीव्यू ढंग से दिखाई दे सके। यहाँ पे ये जो सिलेक्शन है और यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इमेज को सिलेक्ट करने पर आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देगी, और सिलेक्शन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे जो आपका एरिया इस वक्त सिलेक्टेड है वो दिखाई देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन जो होता है ये फोरग्राउंड कलर में होता है। ये जो फोरग्राउंड कलर इस वक्त हमारा सिलेक्ट है ये ब्लैक है, तो इस वक्त हमारे पास एक सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में इस जो प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है ये जो ब्लैक एरिया है वो डीसेलेक्टेड एरिया है, और ये जो वाइट एरिया है ये सिलेक्टेड एरिया है। यहाँ पे ये जो तीन आई ड्रॉपर टूल बने हुए हैं, पहला जो आईड्रॉपर टूल है इससे हम कलर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे इस वक्त ये सेलेक्टेड है और हम इस एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ ये एरिया ही यहाँ पे सिलेक्शन में दिखाई देगा, यानी कि जो कलर हमने सेलेक्ट किया है वो कलर ही यहाँ पे सिलेक्शन में दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो आईड्रॉपर के साथ प्लस का निशान बना हुआ है एड टू सेलेक्शन, तो इसमें अगर मान लो हमने ये कलर सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कलर भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार एक से ज़्यादा कलर करने के लिए हम यहाँ पे ये जो प्लस वाला आईड्रॉपर टूल है इसको यूज में लेंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करके हम अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो माइनस वाला आईड्रॉपर टूल है इससे हम सिलेक्शन से कोई कलर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर हमको सेलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये कलर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्लस और माइनस वाले आईड्रॉपर है इनसे हम अपनी कलर को सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अपने सिलेक्शन का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा करने के लिए या फिर हम इस अपनी पूरी इमेज को ही प्रीव्यू के रूप में देखने के लिए भी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो सिलेक्शन प्रीव्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस वक्त ये नन पे सेट है, इसको हम यहाँ पे ग्रे साइकिल पर सेट करते हैं। तो ये जो प्रीव्यू हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कलर रेंज डायलॉग बॉक्स में इसका बड़ा रूप यहाँ पे दिखाई देने लगता है। और अगर हम ब्लैक मैट पे सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारा सिलेक्शन है वो तो नॉर्मल दिखाई देगा, और जो हमारा डी सेलेक्टेड एरिया है वो ब्लैक कलर में दिखाई देगा। ब्लैक मैट के अपोजिट है वाइट मैट। वाइट मैट में हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है वो नॉर्मल कलर में दिखाई देगा, और जो डीसेलेक्टेड एरिया है वो वाइट कलर में दिखाई देगा। और यहाँ पे ये जो क्विक मास्क मोड में आपको पता है कि जो सिलेक्टेड एरिया होता है वो नॉर्मल कलर में दिखाई देता है, और जो डीसेलेक्टेड एरिया होता है वो लाल कलर में दिखाई देता है। हम इसको यहाँ पे ग्रे साइकिल पे सेट करते हैं, और आप चाहें तो आप अपनी इमेज को जूम इन और जूम आउट करके भी अपने सिलेक्शन को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने सिलेक्शन किया।
किया है। अब हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मल आईड्रॉपर टूल पे आते हैं और यहाँ पे सिर्फ ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन ब्लैक मैट में सेलेक्टेड एरिया कलर दिखाई दे रहा है और जो नॉन सेलेक्टेड एरिया है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है वाइट मैट में। इस प्रकार आप इन सिलेक्शन प्रीव्यू में एक दूसरे में स्विच करके देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे हम प्लस आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन को रिफाइन करने के लिए। इस प्रकार से हम अपने सिलेक्शन को थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने जो बैकग्राउंड में स्काई का कलर था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आप अपने सिलेक्शन को देख सकते हैं अलग अलग रेंज में ये जो हमारा एरिया है सेलेक्टेड है। यहाँ पे ये जो इन्वर्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके अपने सिलेक्शन को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेलेक्टेड एरिया है ब्लैक मैट में हम देखते हैं तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे काफ़ी बेटर हो गया है। अब हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देते हैं तो इस प्रकार से ये हमारा सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे हम कंट्रोल 6 बटन दबाते हैं और बैकग्राउंड को यहाँ से हम ऑफ करके देखते हैं कि इस प्रकार से हमारा सिलेक्शन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम जूम करके भी देख सकते हैं, इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम ऑन करते हैं। अब हम कलर रेंज कमांड की ही फजीनेस ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके लिए हम सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और कलर रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपका सेलेक्टेड एरिया है वो वाइट में दिखाई दे रहा है और नॉन सेलेक्टेड एरिया ब्लैक में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम ग्रे साइकिल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो फजीनेस ऑप्शन है अगर हम इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो हमारा सिलेक्शन इस प्रकार से एक्सपेंड होता जाता है। ये जो फजीनेस ऑप्शन है ये फेदर वैल्यू की तरह ही काम करता है, लेकिन फेदर वैल्यू में जहाँ पे ये जो हमारा सिलेक्शन है वो पूरा एक्सपेंड होता है, लेकिन इसमें ये जो फजीनेस वैल्यू है ये सिर्फ हमारे सेलेक्टेड कलर पे ही काम करती है। तो हमने जो यहाँ पे आईड्रॉपर की सहायता से कलर सेलेक्ट किया है सिर्फ वो कलर ही एक्सपेंड होएगा। जैसे इसमें बैकग्राउंड कलर ग्रे कलर था वो कलर एक्सपेंड नहीं होएगा। इस प्रकार से इस फजीनेस की सहायता से भी आप अपने सेलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फजीनेस वैल्यू जो होती है ये सेम कलर पे काम करती है। अगर आपकी इमेज में सेम या लगभग सेम कलर है तो आप फजीनेस वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में बेटर सिलेक्शन के लिए आपको फजीनेस की वैल्यू लो ही रखनी है और आईड्रॉपर टूल से एक्स्ट्रा कलर सेलेक्ट करके अपने जो सिलेक्शन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और अगर आपकी इमेज में 2 या 3 कलर लगभग सेम से होते हैं तो इस प्रकार की इमेज में आप फजीनेस की वैल्यू को बढ़ा के अपना सिलेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।